पा रहे हैं और आप देख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो आज हम मोशन के सफर में आगे बढ़ रहे हैं। आज है सिक्स लेक्चर ऑफ मोशन। आज होगा ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने ग्राफ्स पे दो लेक्चर ऑलरेडी बनाए हैं। हमने बेसिक्स ऑफ ग्राफ जाना, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जाना, और फिर हमने ये भी देखा कि स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, एसटी ग्राफ क्या होता है, वीटी ग्राफ क्या होता है। एसटी ग्राफ बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी हमने देखा। तो आज बारी है ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे डिराइव तो कर दिया है, लेकिन ग्राफिकल डेरिवेशन हमने अभी तक नहीं की। तो चलिए करते हैं। तो हमें पता है थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, तो मैं पहले थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ और फिर हम बढ़ते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पर। चलिए अब हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए बताइए कि थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी होती है। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन पहली, मैं यहाँ लिख नहीं रहा क्योंकि हमें यहाँ ग्राफ भी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इन तीनों मैंने पहले ही बता दिया था, जब भी आप थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ोगे उस समय ये देखना उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। अगर है तो ये इक्वेशन मतलब आप यूज कर सकते, नहीं तो आप इनको यूज नहीं कर सकते। तो दूसरा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए यहाँ हम अब बढ़ रहे हैं, पहले हम डिराइव करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे डिराइव करेंगे हम देखते हैं। तो ग्राफ तो सबको पता है, हमने बेसिक्स ऑफ ग्राफ में देखा था कि ग्राफ को कैसे निकालते हैं, स्लोप भी पढ़ा था, एरिया भी पढ़ा था। तो पहली बात मैं बता देता हूँ, हम इसको इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे स्लोप से। अगर स्लोप आया तो मान लो ये डिराइव हो गई, और इसको करेंगे एरिया से। एरिया से आपके मन में ये ख्याल सवाल आएगा कि इसको आपने स्लोप से किया, इसको एरिया से किया, तो इसको किससे का वॉल्यूम से करेंगे? नहीं नहीं भैया, इसको हम करेंगे एरिया से ही। एरिया से फर्क इतना है कि इधर होगी स्टाइल, मतलब टेक्निक दूसरी होगी, टेक्निक कुछ अलग होगी, ठीक है। तो यह होगा स्टाइल टू, हम स्टाइल टू यूज करेंगे, होगा स्टाइल वन। देखिए तो फर्क क्या होगा ये हम आगे जानेंगे। दरअसल एरिया इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ट्रेपेजियम के एरिया से हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ। और पहली बात हमने क्या पढ़ा था, थ्री हमने पढ़ाई थे, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, वैसे चार होते हैं, पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन हमने दो ही पढ़े थे और पोजिशन टाइम ग्राफ भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये चार में से कहाँ कहाँ कौन सा ग्राफ यूज होगा, इन तीनों इक्वेशन को अगर हमें डिराइव करना है तो हम वीटी ग्राफ से ही करेंगे, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का यूज नहीं करेंगे, ना ही हम पोजिशन टाइम ग्राफ का यूज करेंगे, ना ही हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का यूज करेंगे। हम सिर्फ करेंगे वीटी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यह होगा, देखिए यह वेलोसिटी और यह होगा टाइम इन सेकंड, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए अब देखते हैं। दरअसल मेनी टाइम्स एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ हम u इज इक्वल टू जीरो ही होता है मोस्टली। तो हमें क्या v इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करना है? नहीं, गलत बात है। अगर हमने v u इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है देखते हैं। अब देखिए पहले इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ यू है। दूसरी इक्वेशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ भी u है भाई। तीसरी इक्वेशन क्या, यहाँ u है, टी टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ भी u है। मतलब अगर हमने u को पहले से ही जीरो कर लिया तो इक्वेशन तो ये बन जाएगी v इज इक्वल टू ए टी। यू का कुछ मतलब यहाँ u को कट कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है, ये तो जीरो है।
मतलब हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होना चाहिए। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, u 0 से ज्यादा होना चाहिए, राइट, u 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैं इसको बेसिकली रफ कर देता हूँ, u 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, u शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है भाई, u 0 नहीं होगा, ये तो हमें पता है। अब देखिए आगे ग्राफ थोड़ा रॉन्ग बन गया मेरे से, देखिए, तो अब तो हमने देख लिया, हाँ u तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ है u, ये तो 0 से ज्यादा है, ठीक है, मान लिया। तो और एक कंडीशन है, ग्राफ हमेशा चढ़ाव ही करे, मतलब नीचे ना जाए, अगर नीचे गया तो क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आए, चेंज तो आएगा लेकिन मेन क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना, वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी अगर चेंज आए। ये देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ था और यहाँ नीचे आ गया, तो वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया, एक्सेलरेशन तो हुआ, वो तो सही बात है, एक्सेलरेशन मैं भी मानता हूँ एक्सेलरेशन हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हुआ, नेगेटिव। जब भी स्पीड डिक्रीज होती है तब रिटार्डेशन होता है, रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। मतलब क्यों एक्सेलरेशन, मतलब ये चढ़ाई क्यों करना चाहिए, हम नीचे नहीं जा सकते, तो वेलोसिटी को हमेशा ग्राफ में बढ़ाना ही है, कम नहीं करना, क्यों, अगर कम किया तो एक्सेलरेशन तो निगेटिव आएगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए तीनों में, ये देखिए प्लस 80, एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिया गया है, ये देखिए प्लस हाफ 80, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होना चाहिए अगर हम ग्राफ को ग्राफिकल डेरिवेशन करें तो। मतलब इसका मतलब है हमें हमेशा वेलोसिटी को इंक्रीज ही कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, देखो तो हमेशा इसको हमें आगे ही बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और v कहाँ है, v देखिए यहाँ हो जाएगा, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और ये हो जाएगा देखिए टाइम, ये हो जाएगा टाइम। अब चलिए इन पॉइंट्स को हम नाम भी दे देते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम देते थे a, यहाँ b, और यहाँ अगर कर दे हम, यहाँ इस पॉइंट को हम c, ये d, और ये ओरिजिन है, तो ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था v इज इक्वल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम स्लोप निकालेंगे, और स्लोप से हम डायरेक्टली ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कर देंगे, बात तो सही है, हम कर देंगे, स्लोप निकाल देंगे, और दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन एरिया निकालेंगे, तीसरे में भी एरिया, लेकिन दोनों की स्टाइल कुछ अलग होगी, यहाँ हम अलग करेंगे और यहाँ हम ट्रेपेजियम का एरिया लेकर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हम स्लोप निकालेंगे, पहले तो ये थीटा है, थीटा मतलब स्लोप, देखिए थीटा क्या मतलब स्लोप, और स्लोप मतलब ये टैन थीटा हुआ, ठीक है, हमने बेसिक, अगर आप ये डायरेक्टली लेक्चर ना देखें क्योंकि पिछले लेक्चर में बेसिक्स ऑफ ग्राफ हमने पढ़े हैं, और बेसिक्स ऑफ ग्राफ में हमने स्लोप डिटेल में किया है और एरिया भी डिटेल में किया है। तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हुआ, पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है ये, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ओके। तो चलिए देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है, जरा ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर है बीसी, बीसी बाय, और जो बेस है वो है एसी, और अब हमें लिखना है बीसी कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। तो ये देखिए, हम अगर बीसी लिखे तो आंसर वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते बीडी माइनस सीडी, बीडी ये जो टोटल बीडी है उसमें से सीडी को माइनस कर देंगे, बीडी माइनस सीडी, ठीक है, और अपॉन एसी को क्या लिखेंगे भाई, अब एसी को हम ओडी भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं तो लिख लो ओडी, राइट, ये पी लग रहा है लेकिन डी है, ठीक है। तो बीडी देखिए क्या है, बीडी, बीडी जरा देखिए आप वाई के नजरिए से देखिए बीडी क्या है, बीडी लग रहा है ना वी, तो वी लिख दो, माइनस सीडी क्या है, सीडी लग रहा है ना यू, इनिशियल वेलोसिटी यू, और ओडी क्या है, हमने पहले से ही लिखा हुआ है टाइम, अब टाइम, ये कौन सा ग्राफ है, वीटी, हमें पता है ये किसी का तो फॉर्मूला है, लेकिन
मान लीजिए मुझे पता ही नहीं ये किसी का तो फॉर्मूला है, हमें तो पता ही नहीं भाई ये किसका तो फॉर्मूला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि ये ग्राफ किसका है, ये वीटी ग्राफ है, ये एसटी ग्राफ नहीं है, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का क्या निकाला है, वीटी ग्राफ का तो स्लोप निकाला है, स्लोप निकाला है, ठीक है, तो स्लोप हमने निकाला है तो वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, हमने माइंड मैप में भी पढ़ा है वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, तो स्लोप की ये जो स्लोप निकाला इसकी जगह हम कर देंगे एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये टी इधर चला जाएगा डायरेक्टली, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, माइनस यू भी इधर चला जाएगा प्लस यू बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू, देयरफॉर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आ गई क्या डेरिवेशन, लग तो रहा ये बहुत मुश्किल है लेकिन हमने ये जो ए बी सी डी लिखा इससे जो कंडीशंस हो गई वो आसान बन गई, ठीक है, तो ये तो पहला इक्वेशन हो गया, दूसरे इक्वेशन को देखते जरा, दूसरे इक्वेशन को हम एरिया से देखेंगे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ ही इसी ग्राफ में एरिया निकाल लूँ तो थोड़ा मतलब खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, तो हम एक नया ग्राफ निकालते, चलिए अब हम निकालेंगे दूसरा, तो पहला तो बहुत आसान था, अब दूसरे को स्टाइल वन से निकालेंगे, हमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिल गया, ठीक है भाई, चलो अब दूसरा भी निकालते हैं, ये थोड़ा आसान था, बेसिक था, चलिए अब हम दूसरा निकाल देते हैं, अब मैं एक नया ग्राफ निकालूंगा और स्टाइल वन से हम एरिया निकालेंगे, अब टेक्निक वन भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ग्राफ तो हमें हमने पढ़ा है अभी भी पढ़ा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा और ये वी टी ग्राफ है, ठीक है, वी क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड, टाइम तो सेकंड में ही है, और यहाँ भी यू है, यहाँ भी एक्सेलरेशन है, यू हमेशा जीरो से बड़ा होना है, यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एंड एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए एक इनिशियल पॉइंट है, ये यहाँ से गया इधर तक एरिया आ गया, ठीक है, ये है यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैसा ही करना है, हमने ग्राफ वैसा ड्रॉ कर दिया तो इक्वेशन हम मतलब डिराइव हमने कर दिया ग्राफिकली, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस भी निकाल देते, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी और ये ओरिजिन का ओ, ठीक है, तो ये है, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, तो कैसे करेंगे, चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसको हम डिराइव कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इस v क्या है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हमें एरिया निकालना है, यहाँ हमें एरिया स्टाइल वन से निकालना है और यहाँ हमें एरिया स्टाइल टू से निकालना है, चलिए अब निकालते हैं, हमें एरिया किसका निकालना है, यहाँ से गया था मतलब हमें एरिया ही निकालना है, देखिए यहाँ हमें ये एरिया निकालना है, मतलब ये ट्रायंगल प्लस ये रेक्टेंगल, ओके, तो एरिया थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, मैं पहले स्लोप इसको कट कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल सके, आप थोड़ा ढंग के नोट बनाइएगा क्योंकि मैंने कुछ यहाँ मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है, आपको ढंग के नोट बनाने हैं एकदम गुड हैंडराइटिंग में, चलिए अब क्या मैं क्या बोल रहा था, यहाँ देखिए यहाँ एरिया, एरिया किसका एरिया, वी टी ग्राफ का, ग्राफ भी तो लिखना पड़ेगा ना, क्या है एरिया, यहाँ से गया यहाँ तक, देखिए हमें ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी प्लस रेक्टेंगल ए ओ ओ ए सी डी, रेक्टेंगल ओ ए सी डी, तो चलिए कर दीजिए, अब देख लीजिए कैसे करेंगे, हमें पता है ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाँ हाँ, वन अपॉन टू इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस क्या
ट्रेक्टेंगल का तो हम लेंथ इनटू ब्रिथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रिथ, ठीक है। तो चलिए वन अपॉन टू इनटू ब्रिथ, यहाँ देखिए बेस, बेस मतलब ये बेस और ये हो गई हाइट। तो बेस क्या है, ए सी, ए सी इंटू बी सी इसकी हाइट हो गई, प्लस लेंथ इंटू ब्रिथ। अब देखिए लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो गई ओ ए, ओ ए इसकी लेंथ हो गई, लेंथ इंटू ब्रिथ। देखिए ब्रिथ क्या हो गई, ओडी। चलिए देखिए वन अपॉन टू इंटू ए सी, ए सी को मैं ओडी भी लिख सकता हूँ, ओडी इंटू बी सी को मैं, हम जैसे पिछले हमने डेरिवेशन देखा वैसे हम यहाँ पे डेराइव कर देंगे, बी डी माइनस सी डी प्लस ओ ए। देखिए कहा है ओ ए, हम ओ ए को वैसे लेने देते, ओ ए इंटू क्या हो जाएगा ये ओडी, ठीक है। वन अपॉन टू इंटू ओडी, ओडी क्या है टाइम, इंटू बी डी माइनस क्या, और देखिए यहाँ बी डी, बी डी माइनस सी डी मतलब बी डी यू वी, फाइनल वाला सी वी माइनस यू, सी डी है यू, ठीक है ओके। और फिर है ओ ए, देखिए यहाँ ओ ए क्या है, ओ ए ये देखिए ओ ए, ये भी तो यू है, ठीक है, यू इंटू ओ डी क्या हो गया। देखिए अब क्या हो जाएगा, हाफ टी इंटू वी माइनस यू, वी माइनस यू प्लस यू टी, ठीक है, इधर तो हम आ गए। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, वी माइनस यू, देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको दूसरे मेथड से भी याद किया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा इसको सिंपलर बना देता हूँ। हम क्या करेंगे, ऊपर भी एक टी इंटू करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई टी से करेंगे। तो यहाँ देखिए हम ऊपर अगर हमने किया तो ये क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर यहाँ, और अपॉन हम यहाँ टी कर देंगे। ऊपर भी हमने टी से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी हमने टी से मल्टीप्लाई किया, और ये क्या हो गया, देखिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हाफ। अब ये वी माइनस यू अपॉन टी क्या है, एक्सेलरेशन, ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, सॉरी टी, ठीक है यू टी। देखिए तो ये क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ हमने वीटी ग्राफ का एरिया निकाला है, वीटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, हमें पहले से ही पता है, हमने माइंड मैप में भी पढ़ा है, वीटी ग्राफ का जब हम स्लोप और एरिया पढ़ रहे थे तब भी हमने ये पढ़ा है, वीटी ग्राफ का एरिया हमें, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और वीटी ग्राफ का एरिया देता है हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब आ गई। तो ये देखिए एस इज इक्वल टू यू टी, इसको सिर्फ उल्टा कर देना है, यू उल्टा, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो हमारी ये इक्वेशन भी आ गई। अब तीसरे इक्वेशन पर बढ़ते हैं, तीसरे इक्वेशन पर टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही कंडीशन रहेगी, सिर्फ थोड़े मतलब थोड़े डिफरेंट मेथड रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अब नया ग्राफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, चलो अब, ठीक है, एक अब हमें नया ग्राफ निकालना पड़ेगा, और यहाँ भी हमें एरिया ही निकालना है, मतलब यहाँ भी हमें डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है। चलिए अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो ग्राफ के सामने हम यहाँ थोड़ा बड़ा निकालना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बड़ा निकालना, ये क्या होगा v मीटर पर सेकंड t, आपको यूनिट भी मतलब लिखनी चाहिए ग्राफ के साथ, तो थोड़ा टीचर का अट्रैक्शन बढ़ जाता है और हमें मार्क्स भी मिल जाते हैं ज़्यादा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ यू और एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है, तो ऊपर चढ़ाई करनी है हमें, ठीक है, यू ओके, यू ये हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते, अब ग्राफ तो है ना यहाँ, तो देखिए
ये हो जाएगा वी, ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो जाएगा भैया टी, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा टी। ओके, तो ये क्या बन जाएगा टी, और ये बेस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको इसको नहीं निकालना, ठीक है, आप देख लीजिए जरा, हमको ये जो निकालना नहीं, तो ये ए बी, ये तो हमें पॉइंट लिखना ही पड़ेगा, सी डी और ये ओ एच, ठीक है। तो ये इसका हमें डायरेक्टली एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसका हमें डायरेक्टली एरिया निकालना है इस पोर्शन का। तो जरा इसको देखिए, आपको कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा ये सारे ही मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमें एरिया निकालना है, पहले तो ये देखिए क्या है, ये आपको कुछ ट्रेपेजियम से जैसा दिख रहा है, मतलब ये ट्रेपेजियम है, और एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, एरिया, एरिया किसका, वीटी ग्राफ का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम, वन अपॉन टू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन से होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वीटी ग्राफ, तो वन अपॉन टू इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू ही रहेगा, कॉन्स्टेंट है। सम ऑफ ऑल, सम ऑफ पैरेलल साइड, दो ही होते हैं ट्रेपेजियम को पैरेलल साइड, ये और ये, ओके। क्या पहली पैरेलल साइड ओ ए है, आ है, तो लिख दो ना ओ ए। क्या दूसरी पैरेलल साइड बी डी है, अब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं तो आप करोगे बी सी प्लस सी डी, या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बी डी इंटू हाइट, इंटू हाइट क्या है, देखिए अब यहाँ हाइट, ये ट्रेपेजियम को हम कैसे लिखेंगे पैरेलल, ट्रेपेजियम क्या होता है, अब ऐसा ही तो कुछ होता है, ठीक है, ऐसा ट्रेपेजियम को रखते हैं, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ ट्रेपेजियम होता है। तो इसकी हाइट देखिए ट्रेपेजियम की क्या है, क्या है, मतलब इस ट्रेपेजियम को हम ऐसा रखें, ठीक है, ऐसा रखा तो हाइट क्या आ जाएगी, ओडी, राइट बात है, ठीक है, ओडी हाइट आ जाएगी, ओ डी, वन बाई टू इंटू ओ ए, क्या है ओ है छोटा सा यू, इनिशियल वेलोसिटी, यू प्लस बी डी क्या है, जरा देखो, और वी ही आ जाएगा, वो पहले से ही देख लिया है मैंने, और ओडी तो अब लर्न हो चुका है, ये ओडी क्या है, बी डी क्या है, ओ ए क्या है, बी सी क्या है, सी डी क्या है, तो ये क्या आ जाएगा ओडी, ओडी तो टाइम, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा वी, हम यू प्लस वी को जरा अलग लिखते हैं, वी प्लस यू, बात तो सही है, टू प्लस थ्री भी फाइव है, थ्री प्लस टू भी फाइव है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वी प्लस यू बाय टू इंटू टाइम, क्या आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, इसको हमें अब उड़ाना है, रिप्लेस करना है, कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले में क्या टी है, नहीं, नहीं है टी, तो यहाँ भी हमें इसको रिप्लेस करनी, कैसे, हमने क्या पढ़ा है, वी पढ़ा तो सही है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, प्लस यू इधर जाएगा, वी माइनस यू इक्वल टू एटी, तो वी माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी, अब बात समझ में आई, ठीक है, तो ये हमें इधर लगाना है, कैसे लगाएंगे, v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी, टी नहीं, अब मैं तो टी लिख रहा हूँ, कितना हो जाए, v u अपॉन v, ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, यहाँ भी स्पेस बचा है, कैसे, क्या है ये देखिए, इसमें क्या, पहली बात तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए पहले से लिख देते हैं, के लिए हमने वीटी का क्या निकाला, इसको हमने डिराइव करना है, अभी कर रहे हैं, तो
इसको डिराइव करना है तो हमने क्या निकाला एरिया, राइट। तो एरिया हमने निकाला क्यों, क्योंकि डेरिवेशन करना था, ग्राफिकल डेरिवेशन करना था। और एरिया ऑफ विटीग्राफ क्या होता है, यहाँ भी देखा, यहाँ भी वो ही आया। एरिया ऑफ विटीग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट, हमने देखा है पिछले वीडियो में। तो एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ विटीग्राफ डिस्प्लेसमेंट जो कि है यस। अब कंफ्यूजन क्लियर, आपको लग रहा होगा कि यहाँ क्या है भाई, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये तो कंफ्यूज किया जा रहा था। अब आ गया आसान, आसान आसान हुआ ना सब चीजें, तो ठीक है। ये क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू V प्लस U, इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, V प्लस U, V माइनस U अपॉन 2A। क्या 2A इधर जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है, 2AS टू V प्लस U, V माइनस U। अगर आपने अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है तो आपने ये पढ़ा होगा A प्लस B इन अदर ब्रैकेट A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B, इसका ठीक है। तो यहाँ भी वैसा ही, 2AS is equal to V square minus U square, आ गया आपका तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, ग्राफिकल डेरिवेशन, ठीक है आ गया। ओके, बड़ा आसान थे ये तीनों इक्वेशन को ग्राफिकली डिराइव करना, ये थोड़ा आसान है। देखिए आपको अगर एग्जाम में ग्राफिकली डेरिवेशन पूछा तो ये जो मैंने ये लिखे है ए बी सी डी ओ, ये ऐसे ही नहीं लिखी, आपको एक स्टेप और बढ़ाना। देखिए अगर मैंने ये नहीं लिखे तो मैं डायरेक्टली ये लिख जाता, डायरेक्टली ये मैं लिख जाता और एक स्टेप भी बढ़ गई, आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे और ये आपको मतलब रियलाइज करेगा क्या था ये, आपको ओ ए, आप डायरेक्टली ओ ए देखो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको लिखना भूलिएगा मत, तो आपको कंफ्यूजन रह सकता है कि वी वी को क्यों नहीं, वी को जरूरत ही नहीं है साहब यहाँ लिखने की, मतलब जरूरत ही नहीं है इसलिए वहाँ लिखा, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ और अब हम आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चुटकी का टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन कभी कभी हम स्पीड वेलोसिटी स्केलर वेक्टर इसमें फंस जाते हैं, तो उस डर को हम मिटाने आ गए हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमें देखना है यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आखिर होता तो क्या होता है। देखो भाई, ओके चलो अब मैं देखता हूँ, मैं पहले हेडिंग लिखता हूँ, क्या अच्छी लिखूंगा, गंदी हैंडराइटिंग में लिखूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो मान लीजिए यहां मैं खड़ा हूं, तो यहां मैं खड़ा हूं तो ऐसे मैंने एक सर्कुलर पाथ कवर कर दिया, वो भी स्पीड कांस्टेंट कर, यहां एक गलत आ गया क्या थोड़ा, देखिए मैं यहाँ हूँ, हाँ तो मैंने क्या किया, यहाँ ऐसे गया, ये थोड़ा सर्कल क्लियर नहीं लेकिन अलॉन्ग सर्कल यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड क्या है कांस्टेंट, स्पीड क्या है कांस्टेंट, इसको जरा अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत स्टूडेंट्स को कि स्पीड, आई नो स्पीड जब कांस्टेंट, हमने पढ़ा ही है, हम जब सेवेंथ थे एट थे सिक्स स्टैंडर्ड में थे तब एनसीईआरटी क्यों ना, उसमें एक शब्द आता था, एक सॉरी मतलब एक स्टेटमेंट आती थी कि व्हेन अ स्पीड इज कांस्टेंट,
एक्सेलरेशन इज जीरो, उसके बाद हम आगे करेंगे और उसके बाद हम आगे करेंगे। पहले ये समझिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आखिर है क्या। ठीक है, यहाँ देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं, मतलब यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जाना यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से जाना यहाँ तक एक चक्कर लगाना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर देना, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, एक रिवॉल्यूशन चाहे कितना भी कर सकता है लेकिन मिनिमम एक, तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में, मैं यहाँ था तो ऐसे करके मैंने कंप्लीट कर दिया, हो गया सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसको ही हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म, इसका अर्थ हुआ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, यहां तक खत्म नहीं होगा, यहां तक खत्म नहीं, एट व्हेन हम मान सकते ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ एट कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट स्पीड, बट वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, बट वेलोसिटी, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है रेडियस। दरअसल अभी कुछ प्रॉब्लम आ गया, हर बार जैसा हमें हमारे वीडियो में आता ही रहता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था बता ही देता हूँ, पावर सेविंग मोड में चला गया था, तो उसको अब हमने इनेबल से डिसेबल कर दिया है, जाने दो अब पावर सेविंग मोड। ठीक है, तो क्या थे हम, रेडियस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रेडियस कुछ भी हो सकता है, वन रिवॉल्यूशन, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ एट कॉन्स्टेंट स्पीड, जहाँ पे वी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं होती, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहाँ पे स्पीड कॉन्स्टेंट होता है। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, हमने समझा भी क्या है, अगर एक रिवॉल्यूशन कर दी उसको ही हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हमें देखना है क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है, ठीक है, एक्सेलरेटेड है कि नहीं। तो मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है। चलो ये बहुत बेसिक सा वर्डा है, ये नाइन्थ क्लास की फिजिक्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ज्यादा यह न्यूमेरिकल नहीं पड़ेगी, ठीक है, ओके। तो अभी हमने क्या देखा, तो सर्कुलर पाथ, तो सर्कमफेरेंस हम उसका निकाला, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको सिर्फ देखिए ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम यहाँ तक गए, अब मान लीजिए आपको वन रिवॉल्यूशन निकालना है, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। अब देखिए यार, इसका सरकम आपको पूछा है स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है बताओ, हमें पता है स्पीड कॉन्स्टेंट है लेकिन ये नहीं बताया स्पीड कितनी है, तो स्पीड का भी फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये देखिए डिस्टेंस क्या होगा इसका, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होगा, टू पाई आर अपॉन टाइम, टू टाइम रहेगा। अब ये तो हमें पता है, इतना तो हमें दिया जाएगा, मतलब टाइम इतना सब हमें दिया जाएगा, सिर्फ अगर आपको रेडियस और टाइम पता है तो आप स्पीड निकालोगे, ठीक है, स्पीड आप निकालोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो अब हम यहाँ कहा थे क्या इज एक्सेलरेटेड, इज एक्सेल, ये मैं आपको जो बताना था वो भूल गया, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, इज ये क्या एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड, अब देखिए क्या ये एक्सेलरेटेड है, अब हम देख रहे हैं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कॉन्स्टेंट है, स्पीड कॉन्स्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल कर रहे, मतलब चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट। अब देखिए वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज है, मैं बताऊंगा,
पहली बात हमें ये देखना है कि वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं है, इस तक आपको जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, वेलोसिटी इज वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, इसको क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में हमने पढ़ा था, ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैग्नीट्यूड में बदलाव आया तो वेलोसिटी में भी आएगा, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में आया तो वेलोसिटी में भी आएगा, अगर दोनों में बदलाव आया, दोनों में बदलाव आया तो इस वेलोसिटी में भी आएगा। तो यह केस क्या होगा, स्पीड तो कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदला, ये देखिए मैग्नीट्यूड जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, चेंज, ये थोड़े गंदे नोट्स लिख दिए, आप ठीक से देखिए, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बात तो सही है, डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन इज चेंजिंग, हमने पढ़ा था सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज हुई, और चेंज इन वेलोसिटी, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं, डायरेक्शन चेंजेस, चेंजेस फिर क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, और फिर हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है, फिर हुआ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया, मतलब इज इट एक्सेलरेटेड, देखिए ये यस यस एक्सेलरेटेड, ठीक है, एक्सेलरेटेड स्पीड इज, देखिए यहाँ चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ओके। तो अब हम कुछ एक ऐसी चीज पढ़ेंगे जो 11th में पढ़ाई जाती है बेसिकली, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये इसका एक रेडियस है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, आया ऐसे करके यहाँ तक आ गया, देखिए हमें बतानी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चल रहा है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमें ये बताना है। तो देखिए डायरेक्शन डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है, टेंजेंट, ध्यान रखिए, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट ऐसी चीज जो कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये देखिए अब यहां तक ऑब्जेक्ट आ गया, ये रेडियस, तो क्या होगा टेंजेंट, यहां तक मतलब ये गलत है कि थोड़ा गंदा आ गया, एक मिनट, ओके, देख लीजिए अब टेंजेंट में निकाल रहा हूं, यहां से लेके ये हो गया टेंजेंट, तो ये हो गई डायरेक्शन, मान लीजिए अब यहां है टेंजेंट, या ये यहां है टेंजेंट, तो कैसे निकालोगे, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट, ठीक है, ये हो गया, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, टेंजेंट है परपेंडिकुलर, ये जो आपको दिख रहा है रेडियस इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई, क्या है टेंजेंट, परपेंडिकुलर, और इसका मेन फंक्शन क्या है, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ये टेंजेंट है, इसका मेन फंक्शन है, टेंजेंट डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब ये देखिए, अब जरा ये देखिए, डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जरा ये देखिए टेंजेंट, रेडियस कितने हैं, हजारों लाखों करोड़ों, इन्फिनाइट, तो टेंजेंट कितने हुए, इन्फिनाइट, और डायरेक्शन सर्कुलर मूव हो रहा है, तो टेंजेंट क्या पता है, डायरेक्शन, मतलब इन्फिनाइट डायरेक्ट, यहाँ हुआ यहाँ यहाँ यहाँ, देखिए मैं देखिए ऐसा मतलब यहाँ फिर यहाँ यहाँ फिर यहाँ इस डायरेक्शन में ऐसे करके बहुत सारे टेंजेंट होते हैं, देखिए ऐसे इन्फिनाइट टेंजेंट्स है, क्योंकि इन्फिनाइट रेडियस है और रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंट, और टेंजेंट इन्फिनाइट मतलब डायरेक्शन भी इन्फिनाइट, इन्फिनाइटली यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा ऐसे करके,
ठीक है, तो हमने पढ़ा कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन हुआ, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन हुआ। अब सर्कुलर मोशन ये हो क्यों रहा है? देखिए, अब इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो, मतलब कुछ तो फोर्स लगता होगा, मैं कुछ तो फोर्स लगाऊंगा ना, मैं हिल रहा, कुछ तो फोर्स लगेगा मेरे ऊपर, कोई ब्लॉक मूव हो रहा है, यहाँ एक ब्लॉक है उसको मैं पुश कर रहा हूं तो वो मूव हो रहा है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को मूवमेंट होने के लिए रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, चाहे कहां भी जाना है तो फोर्स लगेगा। यहां हम रेस्ट से मोशन में जा रहे हैं, ठीक है, कुछ तो मोशन मूवमेंट लगेगा, ठीक है, तो हम मूवमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर, ये कहां से तो होगा? तो मान लीजिए मेरे पास एक रस्सी है तो मैं उसको घुमा रहा हूं, तो मैं सेंटर से घुमाऊंगा ना, बात तो सही है, मैं सेंटर से ऐसे करके घुमाऊंगा, वैसे ही यहाँ जो फोर्स लग रहा है इसको, वो सेंटर से लग रहा है, उसको सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। आपने देखा भी होगा एक बार साइंस लैब में, आपने देखा होगा कि वो एक्ट कैसे होता है, ठीक है, उसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। फ्रॉम द सेंटर ये फोर्स एक्ट क्यों हो रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन घूम, जो ये घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है? क्योंकि फ्रॉम द सेंटर फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है? टूवर्ड द सेंटर। कहाँ एक्ट हो रहा है? टूवर्ड दिस। कहाँ से एक्ट हो रहा है? फ्रॉम द सेंटर। और इस फोर्स को सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, और इस एक्सेलरेशन को, इसलिए सेंट्रिपिटल फोर्स है इसलिए हम इस एक्सेलरेशन को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन इसको कहते हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या पहले कौन सी थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको हमने ग्राफ से डिराइव कर दिया। दूसरे को भी हमने कर दिया, कौन सी थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी थी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। उसके बाद हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखा। क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ एट स्पीड कॉन्स्टेंट, ठीक है, वेयर वेलोसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एक्सेलरेटेड, क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है? तो हमने देखा हाँ, क्योंकि एक्सेलरेटेड, देखिए वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है ये देखिए। हमने क्या देखा? हमने टेंजेंट देखा। क्या है टेंजेंट? रेडियस के परपेंडिकुलर, और ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो रेडियस कितने है सर्कल को? इन्फिनाइट। टेंजेंट कितना है? इनफिनाइट। और ये इनफिनाइट डायरेक्शन हम बताता है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ। तो सर्कुलर मोशन करते समय, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते समय डायरेक्शन चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज होता है मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन इसलिए होता है। और इस एक्सेलरेशन को सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस, ये जो घूम रहा है, कौन सी भी दुनिया में चीज है क्यों घूमते है? कुछ ना कुछ उस पर फोर्स एक्ट होता है, तो इस पर भी टूवर्ड्स द, फ्रॉम द सेंटर फोर्स एक्ट हो रहा है। कहा एक्ट हो रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर। और इस फोर्स को हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है, इस फोर्स को हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। तो हमें पता चला क्या? कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ तो मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी नहीं होगा। तो हमने देखा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो अगर आपने किसी ने आपको पूछा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कोई फोर्स एक्ट होती है? हाँ होती है। कहाँ से होती है? फ्रॉम द सेंटर। ये जवाब आपका होना चाहिए, फ्रॉम द सेंटर। कहाँ होती है? टूवर्ड द सेंटर। और उस एक्सेलरेशन का क्या नाम है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला भी है लेकिन अभी तो नहीं है, आप पढ़ेंगे आगे जाके 11th में 10th में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगली वीडियो मिलेंगी प्रैक्टिस सेशन, जहां पे अब आप बोलोगे आपने ये जो किया यूनिफॉर्म, इस पर न्यूमेरिकल क्यों नहीं? अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे प्रैक्टिस सेशन, वहां कुछ पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को उड़ाएंगे, ठीक है। तो अब यह हमारा लेसन खत्म होता है, और अगला लेसन होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वहां पे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, हम वहां सब पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त कर दे। थैंक यू।